जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, डू यू थिंक दैट जस्टिफाई देयर रीजनिंग? और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि जो आपका है 13 आर वाला फार्मूला, वो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा यार, थैंक यू सो मच। देखें, 13 आर फिलोसफी जो है, और आई रिमेम्बर मैंने एक ट्रेनिंग बीबीसी के आमिर खान साहब से ली थी, और वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ट्रेनिंग थी, और आई वाज अ रिपोर्टर एट डॉन इंग्लिश टीवी। तो मैं अपने रोने लेके बैठ गया, वही जो सारे रिपोर्टर्स लेते हैं, कि जना मैं 9-10 घंटे की नौकरी करता हूँ, लेकिन 7-8 घंटे मैं सोता हूँ, फिर मैंने कोई अपना पर्सनल टाइम भी इधर उधर स्पेंड करना है, कुछ खा लिया कर लिया, तो मेरा तो 24 घंटे यूं ही गुजर जाते हैं। तो मैं दफ्तर जाके इस रूटीन से निकल ही नहीं पाता। मैं सारा दिन, वो मुझे कहते हैं ये इवेंट भी कर लो, ये इवेंट भी कर लो, यहाँ चले जाओ, ये चले जाओ, ये कर लो, पैकेज दे दो, स्टोरी दे दो, बीपर दे दो, और मेरी बीड की कोई स्टोरी आती है, इवन मैं ऑफिस टाइम के बाद भी फाइल करता हूँ। एंड देन वी केम अप विद दिस आइडिया विद स्टफ लाइक, आपने 12 घंटे दफ्तर को दिए, और समझे 12 घंटे आपके पर्सनल है। जो 12 घंटे आपने दफ्तर को दिए वो निकाल दें, समझे आप उस 12 घंटे की तनख्वाह ले रहे हैं, दिस इज व्हाट द जॉब यू आर डूइंग, और मैं इसको ये कहूंगा आप कोई क्लैरिकल जॉब कर रहे हैं। सो कमिंग अप विद द पर्सनल 12 आवर्स विच इज रिमेनिंग, उस पर्सनल 12 आवर्स में से आपने 1 घंटा निकालना है। पर्सनल आवर्स आपके 11 रह गए और वर्किंग आवर्स आपके 13 हो गए, तो दैट इज कॉल्ड द 13th आवर ऑफ योर लाइफ। वो 13वें घंटे में आपने एक स्टोरी डिफाइन करनी है, एंड दैट वुड बी द इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ऑफ दैट वीक, ऑफ दैट फोर्टनाइट, ऑफ दैट मंथ। आपने डिसाइड करना है कि जनाब ये हफ्ते में होगी, 10 दिन में होगी, 15 दिन में, महीने में क्या, और आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना। एवरी डे यू आर स्पेयरिंग दैट 1 आवर फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ एंड गिविंग इट टू योर प्रोफेशनल लाइफ। सो प्रोफेशनल लाइफ 13वां घंटा, सो दिस इज अ 13th आवर थ्योरी। एंड ट्रस्ट मी, जब आप उस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पे काम करेंगे ना, इवन आप बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज दे रहे होंगे, तो वो 13वां घंटा आपकी एक आइडेंटिटी बनेगा। वाइल यूजिंग द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर वर्किंग, यू वुड एक्चुअली रियलाइज के हाउ दैट इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी वुड हेल्प यू आउट एंड डिफाइन यू एंड रीशेप यू एंड एक्चुअली गिविंग एन न्यू आइडेंटिटी टू यू बींग एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसमें आप ऐसी ऐसी बड़ी स्टोरी ब्रेक करेंगे, ऐसी ऐसी बड़ी स्टोरी निकालेंगे जो आपको हेल्प आउट करेगी आपकी, ना सिर्फ अपनी ग्रूमिंग में, बल्कि दैट वुड एक्चुअली सेट अ ट्रेंड सेटर, अ बेंच मार्क फॉर मेनी पीपल, कि है यार इसने कैसे कर ली, ये भी तो हमारे साथ ही सारा सारा दिन नौकरी करता फिरता है। मगर वो 13वां घंटा आपको डिफाइन करेगा एक एक अच्छे जर्नलिस्ट की फॉर्म में, जो आने वाले दिनों में आपको स्टोरी की बेस पे ना सिर्फ अच्छी फेलोशिप्स मिलेंगी, अच्छी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बल्कि आपकी आइडेंटिटी वो स्टोरीज बनाएंगी। और अगर वो क्लिक कर गई, जिस तरह आप एवरीबॉडी इज शेयरिंग द स्टोरीज इनटू द डिजिटल मीडिया, और वो वायरल हो गई, तो आपकी जो एक एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करेगी, वो सारी जिंदगी आपके साथ लिंक रहेगी।